हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सनातन धर्म में संतान प्राप्ति और उनकी मंगल कामना के लिए कई तरह के व्रत और पर्व का जिक्र किया गया है। इन्हीं में से एक है जीवित पुत्री का या जितिया पर्व। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जितिया व्रत किया जाता है। इस साल ये व्रत 18 सितंबर को है। हर साल महिलाएं अपनी संतान की सुख समृद्धि और दीर्घायु की कामना से, अच्छे स्वास्थ्य की कामना से ये व्रत रखती हैं। ऐसा माना जाता है कि जितिया व्रत करने से संतान की उम्र लंबी होती है और उनके जीवन में किसी भी प्रकार की विपदा नहीं आती है। जितिया व्रत के दिन व्रत रखकर संध्या काल में अच्छी तरह से स्नान किया जाता है और पूजा की सारी वस्तुएँ लेकर पूजा की जाती है। साथ ही व्रत कथा जरूर पढ़ी जाती है और सुनी जाती है, क्योंकि व्रत कथा के बिना जितिया पूजा अधूरी मानी जाती है। आज के वीडियो में हम जानेंगे जितिया व्रत की कथा और पूजा विधि। साथ में जानेंगे कि इस दिन 16 पीले धागे और 16 पीली गांठें कथा सुनते वक्त क्यों खोली जाती हैं, इसका क्या महत्व है। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, यह आपका अपना चैनल है और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी 18 सितंबर को है। इस दिन पुत्र और पति की दीर्घायु, आरोग्य और कल्याण के लिए जीवित पुत्री का महालक्ष्मी व्रत भी इस दिन किया जाता है। इसे जितिया व्रत भी कहते हैं, जीवित पुत्री का व्रत भी कहते हैं और इसे महालक्ष्मी व्रत भी कहते हैं। जितिया के विधान धर्मशास्त्रों के अनुसार महिलाएं इस व्रत को रखती हैं और रविवार को अष्टमी का दिन है और उस दिन ये व्रत रखा जाएगा। इस व्रत को कुछ महिलाएं महालक्ष्मी के व्रत के नाम से भी रखती हैं। इस दिन पीला धागे का प्रयोग किया जाता है, यानी कि 16 पीले धागे और 16 पीली गांठें बांधती हैं और कथा सुनते सुनते इन गांठों को खोलती हैं। त्रिकाल यज्ञ यानी कि भगवान भोले शंकर ने जीवित पुत्री का कवर एक विधान महत्व की कथा के मुताबिक माता गौरी को कथा सुनाई थी। इसमें उन्होंने बताया था कि इस व्रत को रखने से सभी तरह के विघ्न दूर हो जाते हैं और इस दिन मतलब महिलाएं संतान की दीर्घायु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये व्रत रखती हैं और ऐसा करने से संतान का स्वास्थ्य अच्छा रहता है और संतान को भगवान जी भोलेनाथ लंबी उम्र देते हैं। इसलिए इस दिन कुछ महिलाएं 16 पीले धागे और 16 पीली गांठें कथा सुनते सुनते खोलती हैं। दोस्तों, जितिया व्रत कथा को लेकर के कई तरह की मान्यताएं प्रचलित हैं। एक पौराणिक मान्यता के अनुसार इस व्रत का महत्व महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि उत्तरा के गर्भ में पल रहे पांडव पुत्र की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्य कर्मों से उसे पुनर्जीवित किया था। तब से महिलाएँ अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को निर्जला व्रत रखती हैं। हिंदू धर्म में माना जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण व्रती स्त्रियों को, जो भी इस व्रत को रखती हैं, तो उन स्त्रियों की संतानों की रक्षा करते हैं। जितिया व्रत से जुड़ी दूसरी मान्यता के अनुसार गंधर्वों के एक राजकुमार थे जिनका नाम जिमूतवाहन था। वे बड़े ही धर्मात्मा, परोपकारी और सत्यवादी थे। जिमूतवाहन को राज्य सिंहासन पर बिठाकर उनके पिता
वन में प्रभु का स्मरण करने के लिए चले गए थे, लेकिन उनका मन राजकार्य में नहीं लगा। वे राजपाट की जिम्मेदारी अपने भाइयों को देकर अपने पिता की सेवा के उद्देश्य से उनके पास वन में चले गए। वन में ही उनका विवाह माल्यवती नाम की कन्या से हुआ था। एक दिन वन में भ्रमण करते हुए उनकी भेंट एक वृद्धा से हुई जो नागवंश से थी। वे काफ़ी डरी हुई थी और रो रही थी। दयालु जीमूतवाहन ने उससे उसकी ऐसी स्थिति के बारे में पूछा। इस पर वृद्धा ने बताया कि नागों के पक्षी राज गरुड़ को वचन दिया है कि प्रत्येक दिन वे एक नाग को उनके आहार के रूप में देंगे। रोते हुए वृद्धा ने बताया कि उसका एक बेटा है जिसका नाम शंखचूड़ है। आज उसे पक्षीराज गरुड़ के पास जाना है। इस पर जीमूतवाहन ने वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा कि डरो मत, तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा मैं करूँगा। आज तुम्हारे पुत्र की जगह स्वयं को लाल कपड़े से ढककर शिला पर लेटूंगा। नियत संयम पर जीमूतवाहन पक्षीराज गरुड़ के समक्ष प्रस्तुत हो गए और लाल कपड़े में लिपटे हुए जीमूतवाहन को गरुड़ अपने पंजों में दबोचकर साथ लेकर चल दिए। उस दौरान उन्होंने जीमूतवाहन की आंखों में आंसू निकलते देखा और कराहते हुए सुना। वे एक पहाड़ पर रुके तो जीमूतवाहन ने सारी घटना बताई। पक्षीराज गरुड़ जीमूतवाहन के साहस, परोपकार और मदद करने की भावना से काफ़ी प्रभावित हुए। उन्होंने जीमूतवाहन को प्राण दान दे दिया और कहा कि अब किसी नाग को वो अपना आहार नहीं बनाएंगे। इस तरह से मतलब जीमूतवाहन ने नागों की रक्षा की थी। तभी से संतान की सुरक्षा और सुख के लिए जीमूतवाहन की पूजा की शुरुआत हुई थी और माताओं के लिए यह व्रत बहुत ही फलदायी बताया गया है। इसलिए सभी माताएं अपने बच्चों की, अपने पुत्रों की रक्षा के लिए, अपने सुहाग की रक्षा के लिए ये व्रत करती हैं। ये थी जितिया व्रत की व्रत कथा। आइए अब जानते हैं जीवित पुत्री का व्रत की तिथि और पारण का समय क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार 17 सितंबर को दोपहर 2:14 पर अष्टमी तिथि शुरू हो रही है और 18 सितंबर को दोपहर 4:32 पर समाप्त होगी। उदय तिथि के अनुसार जीवित पुत्री का जो व्रत है वो 18 सितंबर को रखा जाएगा और 19 सितंबर की सुबह 6:10 पर व्रत का पारण कर सकते हैं। जितिया व्रत की शुरुआत नहाय खाय से होती है तो इस साल 17 सितंबर शनिवार को नहाय खाय होगा, 18 सितंबर रविवार को निर्जला व्रत रखा जाएगा और 19 सितंबर को सूर्य उदय होने के बाद व्रत का पारण किया जाएगा। आइए अब जानते हैं जितिया व्रत की पूजा विधि। दोस्तों, इस दिन स्नान करने के बाद व्रती को प्रदोष काल में गाय के गोबर से पूजा स्थल को लीप कर साफ करें। इसके बाद वहाँ एक छोटा सा तालाब बना लें, फिर तालाब के पास एक पाकड़ की डाल लाकर खड़ा करके वहाँ पर मतलब खड़ा कर दें। अब शालिवान राजा के पुत्र धर्मात्मा जीमूतवाहन की कुशल निर्मित प्रतिमा जल के पात्र में स्थापित करें। इसके बाद उन्हें धूप दीप, अक्षत, रोली और लाल और पीली रुई से सजाएं। अब उन्हें भोग लगाएं। अब मिट्टी या गोबर से मादा चील और मादा सियार की प्रतिमा भी बनाएं। दोनों को लाल सिंदूर अर्पित करें। इसके बाद व्रत कथा सुनें और पढ़ें, फिर पुत्र की प्रगति और कुशलता की कामना करें और 19 सितंबर को सुबह 6:10 के बाद जितिया व्रत का पारण करके अपना व्रत खोल सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि जितिया व्रत कैसे किया जाता है। दोस्तों, इस दिन स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान जीमूतवाहन की पूजा करें। इसके लिए कुशल से बनी
जिमूतवाहन की प्रतिमा को धूप दीप चावल पुष्प अर्पित करें और इस व्रत में मिट्टी और गाय के गोबर से चील और सियारिन की प्रतिमा बनाई जाती है। इनके माथे पर लाल सिंदूर का टीका लगाया जाता है। पूजा समाप्त होने के बाद जीवित पुत्री का व्रत की कथा सुनी जाती है और पारण के बाद यथाशक्ति दान अपने मतलब सामर्थ्य के मुताबिक दान और दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। अगर आप मिथिला में रहते हैं तो मिथिला में जितिया व्रत 16 सितंबर शुक्रवार को यानी कि 16 सितंबर शुक्रवार को नहाय खाय किया जाएगा। जितिया व्रत जीवित पुत्री का महाअष्टमी व्रत 17 सितंबर शनिवार को है और 18 सितंबर की शाम को 4:39 के बाद पारण कर सकते हैं। इस व्रत में उनको सप्तमी युक्त अष्टमी तिथि मिलेगी। जो महिलाएं महालक्ष्मी की पूजा करती हैं व्रत करती हैं तो उनके लिए चंद्रोदय काल में अष्टमी तिथि मिल रही है। आइए अब जानते हैं कि आपको जितिया व्रत का पूजन कौन से समय में नहीं करना है, यानी कि आपको राहु काल में नहीं पूजा करनी है। राहु काल दोपहर 12:01 पर 12 बजे से शुरू होगा और 1:30 तक है और यमगण सुबह 7:30 से 9 बजे तक है। गुलेक काल सुबह 10:30 से 12 बजे तक है और दुर्मुहूर्त काल दोपहर 11:47 से 12:35 तक है। इस समय में आपको पूजा और मतलब व्रत कथा नहीं सुननी है। जो जितिया व्रत है वो इस समय नहीं करनी है। जितिया व्रत की पूजा इस समय आपको नहीं करनी है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आइए अब जानते हैं नहाय खाय की विधि। दोस्तों, सप्तमी के दिन नहाय खाय का नियम होता है, बिल्कुल छठ की तरह जितिया में नहाय खाय होता है। इस दिन महिलाएं सुबह सुबह उठकर गंगा स्नान करती हैं और पूजा करती हैं। अगर आपके घर के आसपास गंगा नहीं है तो आप सामान्य घर पर भी पूजा का संकल्प ले सकती हैं। नहाय खाय के दिन सिर्फ एक बार ही भोजन करना होता है। इस दिन सात्विक भोजन करना चाहिए, यानी कि इस दिन सात्विक भोजन किया जाता है। नहाय खाय की रात को छत पर जाकर चारों दिशाओं में कुछ खाना रख दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये खाना चील और सियारिन के लिए रखा जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है या किसी अन्य विषय पर जानकारी जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।